नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ऑस्ट्रेलिया 2021 टी20 विश्व कप का चैंपियन बन गया है। यह पहला कप है टी20 का जो ऑस्ट्रेलिया की झोली में गया है। हालांकि 50-50 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। इसके अलावा 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कंगारुओं ने कब्जा किया है। अब ऐसे में 2021 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने बेहद ही शानदार खेल दिखाया, तो उनके ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में इस पूरे विश्व कप में बल्लेबाजी की और मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। वहीं जब से डेविड वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, तो लगातार सनराइज हैदराबाद के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं। दरअसल सनराइज हैदराबाद ने आईपीएल 2021 के मुकाबलों में पहले फेज में भी डेविड वार्नर से कप्तानी छीनी और उन्हें टीम से बाहर किया। दूसरा फेज जब यूएई में खेला गया, तो वहां पर भी 1-2 मैचों में उन्हें मौका मिला, उसके बाद टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद तमाम खबरें आई। डेविड वार्नर होटल से ही नहीं आए टीम के साथ, ना ही वो डगआउट में दिखाई दिए, और बहुत सी चीज़ें सुनाई दी और बहुत सी खबरें लगातार डेविड वार्नर को लेकर आती रही। इस बीच डेविड वार्नर भी लगातार इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कई तरीके के सवाल खड़े करते रहे। लेकिन अब सनराइज हैदराबाद के कोचिंग स्टाफ में शामिल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हेडन ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार डेविड वार्नर को सनराइज हैदराबाद ने क्यों बाहर कर दिया था। डेविड वार्नर को उनका कहना है कि इसलिए टीम से बाहर किया गया था कि उन्होंने कई चीज़ें जो फ्रेंचाइजी की थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। उनकी हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। उनके फॉर्म की वजह से उन्हें टीम से बाहर नहीं किया गया था। ब्रैड हेडन ने डेविड वार्नर पर बोलते हुए अपने बयान में कहा है कि वार्नर को खराब फॉर्म की वजह से सनराइज हैदराबाद ने प्लेइंग 11 से बाहर नहीं किया था। कोचिंग स्टाफ वार्नर को हटाने के पक्ष में नहीं था। वार्नर को प्लेइंग 11 से बाहर करने की वजह क्रिकेट से अलग थी। मुझे लगता है कि वार्नर के साथ आपको एक बात का एहसास हुआ है कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, बस उन्होंने मैच प्रैक्टिस नहीं की थी। कोविड-19 के कारण वो लंबे ब्रेक पर थे। वो वेस्टइंडीज या बांग्लादेश भी नहीं गए थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद अच्छी आ रही थी और हालात हमारे सभी के नियंत्रण से बाहर थे। यहाँ तक कि कोचिंग स्टाफ भी इस मसले पर कुछ नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह फॉर्म में नहीं थे। उन्हें दोबारा लय हासिल करने के लिए बस कुछ मैच का समय चाहिए था, जैसा कि हमने टी20 विश्व कप में देखा कि कुछ मैच बीत जाने के बाद वार्नर ने अच्छी बल्लेबाजी की। ये सनराइज हैदराबाद के कोचिंग स्टाफ में शामिल ब्रैड हेडन का बयान था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से डेविड वार्नर ने अभ्यास मैचों में खेलने से मना कर दिया, प्रैक्टिस सेशन में नहीं आए, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी के मालिकों को थोड़ा बहुत बुरा लगा, इसीलिए शायद उन्होंने ये फैसला लिया। इसमें कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट का कोई भी जो क्रिकेट से जुड़े हुए थे उनका योगदान नहीं था। डेविड वार्नर की फॉर्म हमें चिंता का विषय नहीं थी। फिलहाल ब्रैड हेडन ने यह पूरी बात बताई कि डेविड वार्नर को उनकी हरकत की सजा मिली थी और वो अभ्यास सत्र में नहीं उतर रहे थे, इसीलिए यह फैसला लिया गया था और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था।